सो मैं बहुत सिंपल सा पिज्जा बना रही हूँ। मैं पनीर की टॉपिंग यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँ, जो हमारा बेस है वो है ब्रेड का, सो ऑब्वियसली ब्रेड। फिर हमें लगेंगे कुछ चीज स्लाइसेस एंड चीज क्यूब्स भी, क्योंकि ऊपर से जो हम चीज श्रेड करके डालेंगे उसके लिए हमें क्यूब्स लगेंगे। एंड टॉपिंग के लिए यहाँ मैंने लिए हैं स्लाइस्ड अनियंस, बहुत पतले पतले, थोड़ी स्लाइस्ड कैप्सिकम, अगेन बहुत पतली। ये पनीर है और ये है हमारी पिज्जा पास्ता सॉस। आप किसी भी ब्रांड की यूज कर सकते हैं, या अगर आपके घर पे बनी हुई है तो वो भी यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम पनीर को थोड़ा सा मैरिनेट करके सौते करेंगे, ताकि पनीर ब्लैंड ना लगे, उसमें भी थोड़ा फ्लेवर आए, तो पहले वो करते हैं। सो सबसे पहले ये पनीर हम निकाल लेंगे एक बोल में। इसमें एकदम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, डेढ़ चम्मच दही, ये 2 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी हल्दी, और ये है तंदूरी चिकन मसाला। तो ये करीब 1 टेबल स्पून, क्योंकि हमें सारा फ्लेवर जो है वो इसी से मिलेगा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट का जो शॉट है वो पता नहीं रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, क्या गड़बड़ हो गई समझ नहीं आया। सॉल्ट जरूर डालिएगा। यहां मैं डाल रही हूं नींबू। इसे हम 5 से 10 मिनट रख देंगे और उसके बाद हम एक पैन में ऑयल डाल के इसको सौते रहेंगे। ये हो गया है हमारा बेस रेडी। एकदम पतला है और ये चीज से फिल्ड है। तो ये मैंने कैसे रेडी किया है, चलिए अभी वो मैं आपको दिखाती हूँ। 2 स्लाइसेस ब्रेड ही लगेंगी हमें। हल्का हल्का इनके एजेस हमको इसमें काटने पड़ेंगे, नहीं तो आपको जब आप रोल करने वाले हैं तब आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। और अब एक चीज स्लाइस, के ऊपर हमारा दूसरा स्लाइस ऑफ ब्रेड। ओके, और अब हम इसे रोल करेंगे। आपको थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि ये पतला हो जाए। ओके, दैट्स डन। अब अपने तवे पे इसको डालने से पहले आपको कुछ नहीं डालना है, ना कोई ऑयल, ना घी, नथिंग, ना बटर। बस अच्छे से गर्म होना चाहिए और आप इसे डाल देंगे। सो बेसिकली आपको इसे सिर्फ टोस्ट करना है। ये पलट पलट के इस तरह से आपको, अगर आपको कम डार्क करना है तो ठीक है, लेकिन मुझे ज्यादा इस तरीके से इस कलर तक करना है, थोड़ा ज्यादा सुनाई दिया दैट क्रिस क्रिस, सो मुझे इतना करना। सो आई डू मोर। सो ये हो गया रेडी। सो ये पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर इसमें थोड़े से स्लाइस अनियन डालेंगे, जस्ट लिटिल बिट, क्योंकि मुझे थोड़े अनियंस पनीर के साथ एकदम सॉफ्ट ही चाहिए, और वो क्रिस्प जो हम टॉपिंग करेंगे वो तो अलग होगा। तो इसको अच्छे से सौते कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे अपना पनीर। एटलीस्ट 3 to 5 मिनट्स तक सौते करेंगे। फ्लेम आप हाई लो अपने हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि वो मसालों की जो कच्ची स्मेल है वो पूरी चली जाए और आपका जो पनीर है वो हल्का हल्का ब्राउनिश आपको दिखने लगे, उसके बाद आप फ्लेम ऑफ कर सकते हैं। सो पनीर टॉपिंग रेडी है, अब हम इसे हटा देते हैं। लेकिन इसी फ्लेम पे हम दोबारा अपना तवा
तवा रख देंगे। अब हम करते हैं अपने पिज्जा की टॉपिंग रेडी और फिर उन्हें फाइनल। हम देखिए, मैं आज अवन नहीं यूज कर रही क्योंकि बहुत लोगों के पास अवन नहीं होता है और इस रेसिपी में ऑनेस्टली अवन यूज करने की जरूरत भी नहीं है। जो फाइनल टोस्टिंग है वो भी हम इसी पे करेंगे। सो कम, सबसे पहले इस पे हम डालेंगे हमारी पिज्जा पास्ता सॉस। फिर हम डालेंगे इसमें अपना पनीर। एंड फिर जो हमारी स्लाइस हमने अनियंस करके रखे हैं ऊपर से वो। एंड देन छोटे छोटे पीसेस ऑफ कैप्सिकम। ये सारी टॉपिंग्स आप अपने मन के हिसाब से प्ले अराउंड कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए उतना डाल सकते हैं। एंड दैट्स इट, वी विल टॉप इट अप विथ सम चीज। ये भी अगर आपको बहुत भर के डालनी है तो योर चॉइस, मैं थोड़ी थोड़ी डाल रही हूँ। एंड लास्ट में थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। ये हमारा पिज्जा का टॉपिंग रेडी है और ये पैन बहुत गर्म है तो हम इसे इसमें रख देंगे, इसे ऊपर से ढक देंगे। एंड द मिनट वी सी दैट द चीज इज मेल्टेड वी विल रिमूव इट। ओके, टू द नेक्स्ट वन। मैं कर रही हूँ अपने बाकी के पिज्जा रेडी क्योंकि मुझे नीचे काफी सारे लेके जाने हैं। This is done. So, हमारा जो चीज़ पर थिन क्रस्ट पिज्जा है वो रेडी है। देखिए, ये चीज ज्यादा वो एकदम फ्लॉलेस मेल्ट नहीं हुई है क्योंकि मैंने पिज्जा चीज यूज नहीं की है, मैंने नॉर्मल जो हमारी अमूल की चीज आती है वो यूज की है। अगर आप पिज्जा चीज यूज करेंगे तो ये और ज्यादा मेल्ट होगी, बट हम यही प्रेफर करते हैं। सो हो गए मेरे सारे पिज्जाज रेडी। अभी मैं इसको ट्राइंगल्स में कट करके जो है ट्रे में रख रही हूँ सर्व करने के लिए, बिकॉज दैट विल बी मोर इजियर टू ईट।